Dear students and my friends, welcome back in KSD Maths Classes. आप सभी का KSD Maths Classes में स्वागत है. आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन. किसी एनालिटिक फंक्शन को तैयार करना, किसी एनालिटिक फंक्शन को बनाना. देखो क्या होगा इसके अंदर. इसके लिए जो हम मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, उस मेथड का नाम क्या है, मिलने थॉमसन मेथड. ओके, मेथड का नाम क्या है, मिलने थॉमसन मेथड. करना क्या होगा अपने को, एफ जेड को तैयार करना. और किस टाइप का फंक्शन हो एफ जेड, एनालिटिक फंक्शन. ओके, तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, दो केस होंगे इसके अंदर. फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा कि अगर u गिवन हो देन एफ जेड कैलकुलेट करना, u गिवन हो देन एफ जेड कैलकुलेट करना. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, u का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, और u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा. ओके, और जो x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा उसको हम डिनोट करेंगे phi 1 फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और जो वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा उसको हम डिनोट करेंगे फाई टू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. क्यों, यू एक्स और वाई का फंक्शन होगा, उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होंगे, एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर जेड पुट करेंगे, और वाई के स्थान पर हम जीरो पुट करेंगे. ओके, क्या करना होगा, इस डेरिवेटिव के अंदर जहाँ भी x आएगा वहाँ पर हम z पुट करेंगे, और यहाँ y होगा वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू जीरो पुट किया जाएगा. और उसके बाद फिर फॉर्मूला नोट करिए, देन एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाएगा यहाँ पर. तो बहुत ही सिंपल, देखो आप, अगर u गिवन है तो उसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको किस चीज से डिनोट करना, फाई वन एक्स कॉमा वाई से, फाई वन इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. और इसी तरीके से u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फाई टू एक्स कॉमा वाई, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. और फिर हमारा टारगेट क्या होगा, x के स्थान पर z पुट करना, y के स्थान पर जीरो पुट करना. और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे फाई वन ऑफ z कॉमा जीरो एंड फाई टू ऑफ z कॉमा जीरो, ये दो फंक्शन आएंगे हमारे पास. और इन दोनों फंक्शंस को इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया जाएगा, दैट इज़ फाई वन ऑफ जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाई टू ऑफ जेड कॉमा जीरो, और इन दोनों का जेड के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा, एनालिटिक फंक्शन तैयार हो जाएगा. ठीक है, और सेकेंड केस के अंदर क्या होगा, इसको भी समझिए आप. सेकेंड केस के अंदर वी गिवन होगा और अपने को एफ जेड कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, यानी कि अगर v दे रखा है तो हम एफ जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए लिखो आप, v का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और v का y के रिस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. और उसके बाद क्या होगा, जो v का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसको हम लिखेंगे साई टू एक्स कॉमा वाई, और इसको लिखा जाएगा साई वन एक्स कॉमा वाई. तो उल्टा है कहने का मतलब, इसमें पहले फाई वन बाद में फाई टू, इसके अंदर ध्यान देना पहले साई टू बाद में साई वन. ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम पुट एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स के स्थान पर जेड पुट करेंगे हम और वाई के स्थान पर जीरो पुट करेंगे. और एफ जेड कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ जेड इक्वल टू, फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड जीरो प्लस आयोटा साई टू जेड जीरो विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
और इस फॉर्मूले को याद रखना आप, ठीक है, इसमें माइनस होगा और इसके अंदर क्या होगा, प्लस आयोटा साई टू जेड जीरो, ठीक है। और ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक एनालिटिक फंक्शन जिसका वी गिवन हो। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास u है तो भी हम एनालिटिक फंक्शन को डायरेक्ट बना सकते हैं, और अगर हमारे पास v है तो भी हम एनालिटिक फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और मेथड का नाम क्या है, मिलने थॉमसन मेथड, ओके। तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक केस होगा हमारे पास और हम एफ जेड को बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखिए आप, हमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्या लिखा है इसके अंदर, प्रूव दैट u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड आल्सो फाइंड एफ जेड, ठीक है। प्रूव करिए u एक हार्मोनिक फंक्शन है और एफ जेड को ज्ञात कीजिए आप, ओके। तो देखो, लिखो आप सिंस u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ओके। तो हार्मोनिक के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव तक अपने को पहुंचना होता है कैलकुलेशन के अंदर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू सिक्स एक्स, ओके। और इसी तरीके से अगर हम u का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिखें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स वाई एंड अगेन डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू दैट इज माइनस सिक्स एक्स, ठीक है। u का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड u का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, कंटिन्यूस, ठीक है, और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर इन दोनों का जोड़ करें कितना है, जीरो। तो लिखो आप, वी सी दैट, हम देखते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो, इट मीन्स लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड, ओके। चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव, all the partial derivative of u are continuous and Laplace equation satisfied, सभी partial derivative continuous हैं, Laplace equation संतुष्ट होती है, it means u is harmonic function, u एक harmonic फलन है। और अब हमारा target है direct fz को calculate करना, तो इसके लिए हम कौन सा method use करेंगे, मिलने थॉमसन method। तो लिखो आप, मिलने थॉमसन मेथड्स, ओके। क्या करना होता है इस मेथड के अंदर, एनालिटिक फंक्शन को कैलकुलेट करना, ओके। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दैट इज फाई वन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये हमारे पास कितना है, देखो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर एंड इसी प्रकार फाई टू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज डेल यू अपॉन डेल वाई, ओके। और ये हमारे पास है माइनस सिक्स एक्स वाई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स के स्थान पर जेड पुट करेंगे दोनों के अंदर और वाई के स्थान पर हम जीरो पुट करेंगे। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, फाइव वन जेड जीरो, ये हमारे पास आएगा, देखो आप, एक्स के स्थान पर जेड वाई के स्थान पर जीरो दैट इज थ्री जेड स्क्वेयर माइनस जीरो इम्प्लाइज इक्वल टू थ्री जेड स्क्वेयर। और अगर हम फाइव टू जेड जीरो लिखें तो ये हमारे पास आएगा जीरो, क्यों, सिक्स जेड इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके बाद फिर फॉर्मूला लिखिए आप, तो नाउ एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड कॉमा जीरो और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले का यूज करना है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज थ्री जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा इंटू जीरो
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, देन वी गेट आंसर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू, देखो 3z³/3 प्लस सी, तो एफ जेड कितना हो गया, एफ जेड इक्वल टू हो गया z³ + कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन, यानी कि अगर u दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई मिलने मेथड, मिलने थॉमसन मेथड, हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिटिक फंक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो ये मेथड आपने याद रखना है। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है, वेरी इजी मेथड। यू दे रखा हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन, वी दे रखा हो तो भी हम एफ जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आप कमेंट अवश्य लिखें, और आप हमारे YouTube चैनल KSD Math Classes को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।